मामा मैं जरा दादी की तरफ जा रही हूँ। तो मुझे क्यों बता रही हो? क्योंकि आप ही को शिकायत होती है कि बिना बताए चली जाती हूँ। अब जब बता रही हूँ तो फिर भी आपको इतराज है। इतराज नहीं, हैरत है। चले मान ली ना आपकी बात, अब हैरान होने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा प्लीज आप ऐसा कीजिएगा, बच्चों को जरा देख लीजिएगा, शाम में ट्यूटर ने भी आना है, मेक श्योर के वो सोए ना। तुम जानती हो जूही कि ईशा कितनी बीमार है, अब मैं ईशा को देखूंगी या तुम्हारे बच्चों को? मामा वो कोई बीमार बीमार नहीं है, बस उसे किसी बात का सदमा है। आप उसे खुश कर दें, वो बिल्कुल ठीक हो जाए। फजूल बातें नहीं करो, और अगर तुम्हें जाना है तो बच्चों के आने के बाद जा। मामा मेरा जाना बहुत जरूरी है, असल में डैडी ने मुझे बुलाया है, फारिया के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। कोई बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट का बेटा है, स्टेट से हायर एजुकेशन हासिल करके आया है। इसने फारिया को किसी पार्टी में देखा था, बस तब से अपने पेरेंट्स के पीछे पड़ा हुआ है कि शादी करूंगा तो सिर्फ फारिया से। अच्छा अच्छा, तुम ये तफसील मुझको क्यों बता रही हो? इसलिए कि मामा डार्लिंग, लोग जब अपनी लड़कियों की शादी करते हैं ना, तो ऐसे खानदान में करते हैं कि जिसके बारे में फखर से बता सकते। मैं ये बातें आपको क्यों बता रही हूँ, आप तो इन बातों से बखूबी वाकिफ हैं। आपके पास अभी मौका है, सोच ले। मैं चलती हूँ। अम्मार का फोन 2 बजे, तब तो मैं सो रही थी। इसका मतलब है इसे रियलाइज हो गया है। Call me urgent, Ammar. Ammar, बहुत देर कर दी? जी वो काम ही कुछ ज्यादा है इसी वजह से। अच्छा चलो खैर, कल कितने बजे जाना है? कहाँ जाना? इतनी जल्दी भूल गए? हैरत, इतने अरसे की इज्जत इतनी जल्दी भूल गए? खुला नहीं हूं, काम की मसरूफियात की वजह से जा नहीं सकते। यही बात है या कोई और वजह है? और क्या वजह हो सकती है? तुम कहते हो तो मान लेती हूँ। कल तक तो तुम बहुत एक्साइटेड थे कि बस जरूरी ही वहां जाना है। ठीक है, अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है इस वक्त तुम किसी मसले में उलझे हुए हो, और वैसे भी ऐसे फैसले बड़े पुरसकून अंदाज में करने चाहिए। कोई मसला नहीं है, बस काम का प्रेशर है। ठीक है, फिर तुम पहले अपने मसले हल कर लो, तुम जब भी कहोगे तो मैं चलूंगी।
प्लीज रिसीव माय कॉल. मगर मेरे सामने तो कोई कॉल नहीं आई, क्यों? ये देखें, अम्मार की कितनी मिस कॉल्स हैं. मैं थोड़ी देर के लिए किचन में गई थी, लेकिन तब तो जूही थी यहाँ पे. अच्छा, मैं फोन भी चार्ज लगाने को देके गई थी, लेकिन तुम्हारी कॉल जूही क्यों उठाएगी? तुम दो दिनों से बेड पर हो, राब्ता ना होने पर हो सकता है कि अम्मार तुम्हारे लिए परेशान हो. कॉल कर लो उसे. बेइज्जती के बाद अब क्या चाहती है? ईशा, कहाँ जा रही हो बेटा? मॉम, एक जरूरी काम है, अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगी. बेटा, तुम्हारी तबीयत? मैं बिल्कुल ठीक हूं, अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगी. मगर तुम जा कहाँ रही हो? मॉम, जरूरी काम है, थोड़ी देर में आ जाऊंगी, बोला ना. क्या करें, हटो मेरे रास्ते से. मैं नहीं हटूंगी. ये क्या हिमाकत है, तू तमाशा बना लिया. ये हिमाकत हो या तमाशा, तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा. क्या अब भी कोई सवाल बाकी रह गया? हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं हर सवाल का मतलब समझाऊं तुम्हें. हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो. अमार, ना मैं रास्ता छोड़ूंगी और ना ही तुम्हें. मैं तुम्हारी तरह नहीं, कि बताए बिना ताल्लुक ही तोड़ तुम्हें वजह बतानी होगी. फांसी के मुजरिम को भी उसका जुर्म बताया जाता है, लेकिन तुमने तो कोई खता बताए बिना ही मुझे ताल्लुक की सजा सुना दी. तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या बरसों के इंतजार का यही सिला है? जब तुम्हारे घर वाले इस रिश्ते से राजी नहीं है, तो फिर ये इंतजार बेमायने ही. ईशा, मेरे घर वाले राजी नहीं है? किसने कहा तुमसे? तुम्हारी मामा ने. मेरी मामा ने? हाँ. जो भी हो मामा, मैं इस घर की फर्द हूँ और मेरा आप लोगों से रिश्ता है. ईशा मेरी छोटी बहनों की तरह है, जैसे फारिया वैसे ही ईशा. मुझे इसकी फिक्र है, तभी तो मैं इतना कुछ कहती हूँ. अब देखे ना, तीन चार रोज से ये इतनी बीमार पड़ी रही, इनको इतनी ही तौफीक नहीं हुई कि एक फोन करके खैरियत ही दरियाफ्त कर लेते. उन्हें क्या पता जूही. मामा, आप कैसी बातें कर रही हैं? अब मार ईशा के साथ इन कॉन्टेक्ट रहता है, फोन पे नहीं तो मैसेजेस पे तो बात होती है इनकी रोज. और फिर मामा, मैं तो यही चाहती हूँ कि ईशा को मोहब्बत और कदर करने वाले लोग मिले. अब देखे ना, ये लोग अभी से इतना रूडली बिहेव कर रहे हैं, आगे जाके क्या करेंगे? और फिर हमारी ईशा में कमी ही क्या है, लाखों में एक है. मॉम,
कल अम्मार से आपकी कोई बात हुई? नहीं, कल तो मेरी अम्मार से कोई बात नहीं हुई। हुआ क्या है? अगर आपकी बात नहीं हुई तो फिर उसका फोन किसने रिसीव किया और ये कहा कि मैं ईशा की मॉम बात कर रही हूँ? तुम क्या कह रही हो ईशा? मॉम मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। कल उसका किसी ने फोन रिसीव किया जो यकीनन आप नहीं हो सकती, क्योंकि जिस लहजे में उससे बात की गई आप इस तरह से नहीं कर सकती। उसे दो कौड़ी का इंसान कहा गया, उसे उसके खानदान की औकात गिनवाई गई। ये तुमसे किसने कहा? अम्मार ने। मैं उससे मिलकर आ रही हूँ और मुझे पूरा यकीन है जो उसने कहा वो हर बाहर बिल्कुल ठीक है। मैं जरा बच्चों को देख के। रुके भाभी, कल मॉम के अलावा मेरे कमरे में आप भी थी। ईशा, क्या तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो? मैं आप पर कोई इल्जाम नहीं लगा रही, बल्कि इस बात पर यकीन करने की कोशिश कर रही हूँ कि आप इतना नीचे गिर सकती हैं। जूही, ईशा सही कह रही है। मामा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो गलत कह रहा है, भला मैं क्यों ऐसा करूंगी? अच्छा, वो गलत कह रहा है? मॉम, ये देखें, उसके मैसेजेस, उसकी मिस कॉल्स, क्या ये भी गलत हैं? हाँ? तुमने ऐसा क्यों किया जूही? मामा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। गलत कह रहा है, वो झूठ बोल रहा है। मैं तुमसे ये नहीं पूछ रही हूँ कि तुमने ऐसा किया या नहीं किया, मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया। तुम्हें क्या हक है किसी को बेइज्जत करने का, और वो भी उन लोगों को जिनसे मेरी बेटी का रिश्ता जुड़ने जा रहा है? क्या हुआ मामा? पूछो अपनी बीवी से, इसने वो घटिया हरकत की है कि मुझे सोच कर भी शर्म आ रही है। वैसे तो बड़ी एजुकेटेड और कल्चर्ड बनती है, लेकिन जाहिलों से भी बदतर हरकत की है इसने। मामा, आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं। इंसल्ट तो तुम मेरी कर रही हो, अम्मार के घर वालों के सामने शर्मिंदा करके रख दिया मुझे। मामा, मुझे बताएं कि हुआ क्या है। भाई, जूही भाभी ने अम्मार को फोन करके बुरा भला कहा और उसे दो कौड़ी का इंसान बोला। जूही, तुमने अम्मार से ऐसा कहा? हाँ, मैंने ऐसा कहा। तो कौन सा मैंने गलत कहा? जो इंसान जैसा होता है मैं तो उसको वैसा ही कहूंगी ना, और फिर कौन सा वो महाराजा है। खुदा के लिए शायान, तुम जल्द से जल्द अपना बंदोबस्त कर लो। मैं नहीं चाहती कि जूही यही ऊंची हरकतें अम्मार के घर वालों के सामने करे। मिसेस सईद के सामने तो ऊटपटांग बोल चुकी है और अब अम्मार को फोन। ये दुश्मन बनी हुई है मेरी बेटी की। मैं एक मिनट इस घर में इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। मगर मामा। मामा, आप मेरी फिक्र ना करें, मैं इतनी गिरी पड़ी नहीं हूं, चली जाऊंगी मैं इस घर से। गिरी हद होती है कोई? मुझ पे इतना सारा बोझ नहीं उठाया जा रहा। पहले हम यहाँ रुक के सुकून से कुछ खा लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। मगर सबा, पता नहीं आई किसकी गाड़ी है, कहीं गुस्सा ना करे वो हम पर। क्यों करेगा गुस्सा, हम सिर्फ खड़े ही तो हुए थोड़ी देर, कौन सा हम उसकी गाड़ी खा जाएंगे। चलो रखो तुम भी अपनी चीजें, यहाँ सुकून से खाना खा लो। बैग। एक्सक्यूज मी, अब यकीनन ये कोई दर्दनाक कहानी सुनाने वाला है। आजकल के फकीर कितने स्टाइलिश हो गए हैं। एक्सक्यूज मी, मैं कोई फकीर नहीं हूँ, आपको कोई गलत है। ओ, तो फिर आप चंदा लेने आए होंगे, है ना? फला 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 या फिर किसी फलाही इदारे के लिए। व्हाट? देखिए, आपको कोई गलत फहमी हो रही है, ना तो मैं कोई फकीर हूँ ना मुझे कोई चंदा चाहिए। ओ, तो आप हम पर लाइन मारने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात मैं आपको अच्छी तरह से बता दूं मिस्टर, हम कोई ऐसी वैसी लड़कियां नहीं है, और मैं बहुत खतरनाक हूँ। अगर ज्यादा गुस्सा आता है ना तो चप्पल उठा के भी मार देती हूँ। What? आप होश में तो आ रही हो नहीं, senses? आप क्या कह रही हैं ये? सबा, चलो यहाँ से। क्यों? क्यों चलूं? पहले मुझे सुनने तो दो, ये क्या कहना चाह रहे हैं बोलिए। देखिए, ये जिस गाड़ी पे आप टेक लगा के खड़ी है मेरी गाड़ी है, मुझे गाड़ी स्टार्ट करनी है, आप प्लीज हटे यहाँ से। ओ, सॉरी। तो ये आपकी गाड़ी है? जी। अच्छा, तो ये आपकी गाड़ी है, पहले बताना चाहिए था ना। आप किसी को बोलने का मौका देंगी तो बोलेगा ना। अच्छा बस, अब ज्यादा बातें घुमाने की जरूरत नहीं है, जाएं, स्टार्ट करें अपनी गाड़ी। चलो फरी।
साफ साफ कह नहीं सकते थे कि ये आपकी गाड़ी है? चली जाती मैं यहाँ से, इतनी बातें बनाने की क्या जरूरत थी? ये वो सुने मोहतरमा, अजीब। चलो क्या जरूरत थी बकवास करने की? सुन लिया मामा ने क्या कहा? अब ढूंढो घर, बांधो सामान, क्योंकि अगली बार मामा जबान से कुछ नहीं कहेंगी बल्कि सामान बांधेंगे और हमारे हाथ में पकड़ा देंगे। मैं तो ड्रामा कर रही थी, यही कहा था ना तुमने? बड़ा अच्छा ड्रामा किया तुमने, क्योंकि अब तो ड्रामे का ड्रॉप सीन भी होने वाला है। अच्छा ताने मत दो तुम, सोचने दो मैं कुछ करती हूँ। क्या करोगी तुम? मैं भी तो सुनो, घर ढूंढोगी, सामान बांधोगी, शिफ्टिंग करोगी, मगर जो कुछ भी करोगे तुम अकेले करोगे, क्योंकि इस ड्रामे में तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। तो भाई तुम किचन में क्या कर रहे हो? अम्मी खाना बना रही हो। क्यों, जेबा कहाँ है? जेबा अपनी अलमारियां ठीक कर रही है, मैंने उसे कहा था खाना मैं बना लूंगी, बेचारी हर वक्त तो काम में लगी होती है। क्या करें, सबा तो घर के कामों को हाथ ही नहीं लगाती। अभी भी देखो यूनिवर्सिटी से आई है, ना कपड़े बदले हैं, ना खाना खाया है और जाकर सो गई है। पता नहीं क्या होगा इस लड़की का, मैं तो बहुत परेशान रहती हूँ इसके लिए। ठीक हो जाएगी अम्मी, हम सबसे छोटी है ना इसीलिए। सबसे छोटी है लेकिन वो खुद तो छोटी नहीं है ना, पूरे 23 साल की है और इस उम्र में तुम दोनों ने पूरा घर संभाल लिया। अम्मी वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगी, अभी उसके ऊपर पढ़ाई की जिम्मेदारियां हैं, टेंशन होती है उसको। जब वो अपनी पढ़ाई से फ्री होगी तो आप ऐसा कीजिएगा, उसके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां डाल दीजिएगा। खाना बन के लगा दो, मुझे मिसेज अति की तरफ जाना है। क्यों, खैरियत? हाँ उनकी काफी सारे ताल्लुकात हैं, रिश्तेदारियां भी हैं, मैं सोच रही थी कि जेबा के रिश्ते के लिए उनसे कहूँ मैं। हाँ फिर तो जरूर जाइए, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आप चले, मैं खाना लगा। यकीन जानो बेटा, मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई है, मैंने उसे बाद में बहुत डांटा है। प्लीज आंटी आप रहने दीजिए, मुझे ईशा ने सब कुछ बता दिया। बस बेटा जरा ना समझ है मेरी बहू। ओके आंटी। अच्छा तो फिर बताओ तुम कब आ रहे हो अपनी अम्मी को लेकर? आप जब कहें। मेरे ख्याल से कमिंग संडे सही रहेगा, दो ही दिन तो रह गए बीच में। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है बेटा, सी यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, थैंक यू सो मच बच्चा।